नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WLN 360। उत्तर प्रदेश के डंडोदाना के तिंदवारी में प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध मतदाता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने नागरिकों के चौमुखी विकास के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। हमारे संवाददाता संजय अवस्थी के साथ देखें ये रिपोर्ट। आपको विश्वास दिला सकता हूं, इस विभाग से हम लोग एक रुपया भी अपने शरीर पर खर्चा नहीं करवाए होंगे और पूरा केवल एक ही ईमानदारी से, मैं तो साल भर से इनको भी देख रहा हूं, केवल एक चिंता रहता है कि खेत तक पानी पहुंच जाए और लोगों के गले तक पानी पहुंच जाए। ऐसे मंत्री बहुत कम मिलते हैं। आपका सौभाग्य किस प्रकार का है तो मोदी योगी ने किया है मित्रों, लखपति बनाने का। करोड़ों लोगों का अपना आवास नहीं था, करोड़ों लोगों के पास शौचालय नहीं थी, करोड़ों लोगों के पास अपना बैंक का अकाउंट नहीं था। 70 सालों बाद एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना और राज्य में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने मित्रों, तब करोड़ों लोगों के घर का पक्का मकान बना है और शौचालय मिला है और बिजली का कनेक्शन सभी को मिला है मित्रों। वो सज्जन है, सुशील है और ईमानदार है और बलराम जी चुनाव प्रभारी है, आप नोट कर लीजिए, चुनाव जितवा दीजिए इनको। घर पर जब आएंगे आप सब तब वापस नहीं जाएंगे, घर पर जब भी आप आएंगे भोजन करके ही जाएंगे, भूखा नहीं जाएंगे आप लोग, ये ऐसा प्रत्याशी है और सभी का काम करेगा। तो बलराम जी प्रभारी हैं तो चुनाव तो जीत जाएंगे ना बलराम जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष लवलेश सिंह जी, रमेश पांडे जी, हमारे रामकरण जी।